हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूँ अनिकेत अग्रवाल। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्व पावर स्कीम जो है वो लॉन्च की है। इसी के बारे में हमने पढ़ना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आपको प्रिलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस ये आपको फोटो पॉइंट की तरह भी काम करेगा, जिससे आप अपने मेंस और अपने एसेज को एनरिच कर सकते हो। GS2 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। सो अगेन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसने इसको लॉन्च किया है। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। सर्व पावर स्कीम, इसके अंदर हम प्रमोट करेंगे अपॉर्चुनिटीज जिससे कि वुमेन जो है वो रिसर्च इकोसिस्टम में आ सकें। सो प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इस स्कीम के अंदर हम ना केवल फेलोशिप ग्रांट्स देंगे बल्कि रिसर्च ग्रांट्स भी देंगे। इसके अंदर हम दोनों कंपोनेंट्स को रखे रखेंगे, यानी कि जो लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी को हम यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा इसको हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए चला रहे हैं। सो दिस स्कीम इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन साइंटिस्ट टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इन वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स इन इंडियन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लेबोरेटरीज। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वुमेन जो हैं वही एलिजिबल होंगी किसी भी तरह के बेनिफिट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्च के अंदर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल होते हैं, फीमेल्स को उतनी जगह नहीं मिलती है। या फिर आप कह लीजिए कि उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं देते हैं कि वो आगे चल के अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, अपने करियर को परस्यू कर पाएँ जिसके अंदर वो रिसर्च या डेवलपमेंट में जाना चाहती हैं। तो इसीलिए हम एज अ गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इस स्कीम के द्वारा कि उनको रिसर्च ग्रांट्स भी हम देंगे, फेलोशिप ग्रांट्स भी हम देंगे। वो PhD करना चाहती हैं, आगे रिसर्च करना चाहती हैं, वो सारा का सारा खर्चा हम उठाएंगे। आप आइए और आप काम कीजिए। तो इससे हम वुमेन साइंटिस्ट की जो रेशो है एज कम्पेयर टू मेल साइंटिस्ट उनको भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इट विल सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर रिकॉग्निशन इन द नेशनल सिनेरियो एंड विल एम्पावर वुमेन साइंटिस्ट एंड कल्टिवेट अ वुमेन फ्रेंडली कल्चर। तो अगेन, इससे एक तो हमें नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम बढ़ेगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग वुमेन साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। जो लोग नई लड़कियां हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। एक वुमेन फ्रेंडली कल्चर भी होगा, क्योंकि जो वुमेन है वो अपने आप को आउट नंबर्ड नहीं समझेगी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। और जब वो आउट नंबर्ड नहीं होगी तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो सकती, तो वो उस एंगल से भी फील सेफ करेगी। इसके अलावा वुमेन जो है ज़्यादा होंगी तो लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर या डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के अंदर चेयरमैन बनने का, हेड बनने का उनका जो स्कोप है वो भी और ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज अ वुमेन अगर आप इस स्कीम के अंदर एनरोल होना चाहते हैं। तो एक तो आप वुमेन रिसर्चर होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी एज जो है 35 से 55 के बीच की होनी चाहिए। तो 35 से 55 के बीच के ही जो लोग हैं उन्हीं को हम यहाँ पर एंटरटेन कर रहे हैं। इसके अंदर हम 25 फेलोशिप्स दे रहे हैं पर ईयर और 75 मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। तो 25 से लेकर 75 जो फेलोशिप्स हैं वो ग्रांट की जाएंगी 1 साल के अंदर। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो 3 साल रखी गई है और इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। एक बार आपको करियर के अंदर एक बार ही आप इस फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं, वो लाभ आपको 3 साल तक कंटिन्यूड मिलता रहेगा। इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं वो रेगुलेटेड रहेंगी और जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब कोर जो आपका सिस्टम है सर्व कोर रिसर्च ग्रांट गाइडलाइंस उसके अंदर ही फॉल करेगा। उन गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी जो स्कीम है वो रेगुलेट होगी। एंड काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि सर्व क्या चीज़ है। तो वैसे तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, बट हमें पता होना चाहिए कि सर्व भी क्या चीज़ है। तो सर्व बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की, जो कि एक स्टैटूटरी बॉडी है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट साइंस का है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के अंदर जो रिसर्च विंग है वो एक स्टैटूटरी बॉडी है, क्योंकि एक लॉ के अंदर बना हुआ है। उस रिसर्च विंग को हम बोलते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसी का शॉर्ट फॉर्म है सर। ठीक है, तो ये चीज़ और थी एक जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो अमाउंट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अमाउंट्स को आप स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको फेलोशिप के अंदर 15,000 रुपये पर मंथ मिलता है इन एडिशन टू रेगुलर इनकम। रिसर्च ग्रांट जो है वो 10 लाख पर एनम की होती है, पर ईयर की होती है। और जो ओवरहेड होते हैं वो 90,000 पर एनम के होते हैं। So this was all about the scheme. I hope you like this video. Have a nice day. So with this we have completed the topic. Short topic था, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, डेली 7:30 PM पे होती है।
एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ जो आपने आज करंट अफेयर्स करे उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कम्प्लीट UPSC CSE प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, इनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 2 साल के बैचेज रहते हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी, अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं UPSC CSE में, हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एसेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एसेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1 2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिजाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।